राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। पहले तुम जाओ। देखना, अगर तुम पहले चले जाओगे हाँ, तुम रिजेक्ट हो जाओगे, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अच्छा, ताकि तुम सिलेक्ट हो जाओ। नहीं, पहले तुम जाओ। हाँ ना, पहले तुम। क्या करती हो? धमकी देकर हमेशा सब काम करवा लेती हो। काम तो मेरा निकल जाता है ना। अगर इतना विश्वास है अपने ऊपर तो पहले तुम जाओ ना। फिर ये बात है। हाँ। चलो, जाती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 10 मिनट के बाद तुम भी आ जाना अंदर। और देखना, ऐसा जाहिर करना कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ठीक है। ओके, बेल कर। बेल। इधर। हे भगवान। शुभकामनाएं कहें या शाबाशी, कुछ तो वाकई में देनी पड़ेगी सरगुजा जिले के साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्ताओं की टोली को, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से असंभव को संभव कर दिखलाया है। अक्षरों के जरिए बड़े बूढ़ों को दुनिया जहान की बातें सिखलाई हैं। तभी तो जिलाधिकारी माला पहनाकर स्वयं सेवकों का सम्मान कर रहे हैं, ताकि इनका हौसला बना रहे। अक्सर होता ये था कि साक्षरता अभियान के शुरू शुरू में नव साक्षरों के बीच पढ़ने के प्रति काफी उल्लास व जोश रहता था, लेकिन समय के साथ ये उत्साह ठंडा पड़ जाता था। नतीजन साक्षरता केंद्रों पर पढ़ने वालों की संख्या लगातार कम होती चली जाती। शायद इसी को ध्यान में रखकर यहाँ के साक्षरता मिशन से जुड़े लोगों ने पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया, सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करवाया, पठन पाठन की प्रक्रिया मनोरंजक बनाई, लोगों की आम जरूरत से जुड़ी चीजों को नव साक्षरों की पुस्तकों में शामिल किया गया। साथ में इस बात पर भी खास ध्यान दिया गया कि पढ़ने वालों पर पढ़ाई थोपी ना जाए, बल्कि उनके अंदर ऐसी जागरूकता पैदा की जाए कि वे अक्षरों के मूल मंत्र क ख ग से अपना कभी ना टूटने वाला रिश्ता बनाना चाहें। पहले तो इन लोग कुछ लिख रहे ही नहीं जानते थे। इस बार क ख लिखवाने के इसको सीखा है, इसके बाद उसको जान गए, इसके बाद मात्रा पढ़ने को सीखा है, इसके बाद गिनती पढ़ा। चूंकि साक्षरता कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक जन शिक्षक पर निर्भर करती है, क्योंकि पढ़ने वालों में चाहे पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी पैदा करने की बात हो या फिर पढ़ाने की, सारे कामों को अंजाम जन शिक्षक ही देता है। इनकी हौसला अफजाई के लिए सरकारी योजनाओं में नवसाक्षरों के साथ साथ जन शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी गई। साक्षरता कक्षा के दौरान नव साक्षरों को कई व्यवहारिक ज्ञान भी दिए गए। जैसे कि इन महिलाओं की ही बात लीजिए, जब तक इनका वास्ता अक्षरों से नहीं पड़ा, तब तक ये दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करती थी। मेहनत नामे के नाम पर इनका शोषण किया जाता था। ऐसे में जहां इन्हें एक ओर साक्षरता से जोड़ा गया, वहीं दूसरी ओर रोजी रोटी के लिए रेशम उद्योग से जोड़ा ही नहीं गया, बल्कि बाकायदा कीड़े पालने से लेकर धागा निकालने तक की ट्रेनिंग दी गई, जिसका फायदा क्या हुआ, सुनिए कमला की जुबानी। पहले तो हम बहुत कुछ नहीं जानत रहे ना, कम से कम हमके यहाँ का 1 रुपया कितना होल, 100 पैसा में 1 रुपया होते रहे, ओकर घर का हमके मालूम नहीं रही। तब धीरे धीरे साक्षरता में पढ़ के ना हमके लाभ ही कुछ काज पता हो सै, कि साक्षरता में कुछ का सब जन पढ़ लिख गए, अपन नाम दस्खत भी जान गए, और अपन
कानम कथे नाम लिख लेथन और कुछ हिसाब किताब अपन से कर लेथन। अंदाजा तो ये लग ही गया होगा कि कमला को ये फायदा कैसे पहुंचा। खुशहाली केवल कमला को ही नहीं मिली बल्कि कमला जैसी कई दूसरी महिलाओं को भी मिली है जिन्होंने आज अपनी समिति बनाई है अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ताकि वक्त बेवक्त उन्हें दूसरे का मुंह ना ताकना पड़े। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका एडवर्टाइजमेंट मालूम है एडवर्टाइजमेंट ही देख कर आई हो घर देख कर नहीं घर वालों को पता होता तो शायद तुम नहीं आती। कुछ नहीं सीधी काम की बात पर आते हैं जी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हें किस नौकरी के लिए बुलाया गया है? ये तो आप बताएंगे मुझे सर। क्यों एडवर्टाइजमेंट के अनुसार अकलमंद हो तो गैस कर लेना चाहिए। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब मैं आई क्या तो ये बताइए कि क्या मैं बैठ सकता हूँ? ये हुआ ना अकलमंद सीधा आया बुलाकर बैठ गया। कितना आत्मविश्वास है। हाँ तो नौजवान इधर आओ जी। ये बताओ तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है? सर मुझे है मुझे। सर खतरे मुझे देखकर दूर से छू मंतर हो जाते हैं। सच में? बिल्कुल सर। तुम तो हमारे काम के आदमी हो। लेकिन सर पहले काम तो बताइए क्या है? काम करोगी? सर हम तो कोई भी काम कर लेते हैं कोई भी काम हो। सर काम हमारा जीवन है काम हमारा सब कुछ है। सर सर मैं कर्मवीर हूँ कर्मवीर। बस खाली काम के दाम बराबर मिलने चाहिए। समझ गया जी। जरूरतमंद हो जी। और फिर मुझे तुम जैसे आदमी की तलाश थी। लेकिन काम क्या है सर? इधर आओ जी। समझ गया। तुम यहाँ इंतजार कर सकती हो जी। इस कैंडिडेट का इंतहार हो जाए असफल रहा तो तुम्हारी बारी आ सकती है। सर हम असफल नहीं होते। सर हमारी जिंदगी का एक ही सिद्धांत है कि हम होंगे कामयाब। क्या पूरा गाना गाने का इरादा है? नहीं नहीं सर मैं तो बता रहा था कि हम कामयाब होंगे। अच्छा सर कहाँ है आपकी नन्नी मुन्नी प्यारी छोटी चुलबुली बच्ची कहाँ है बुलाइए ना। मैं आ गई। अज्ञानता और निरक्षरता का अंधकार मिटाने और साक्षरता से ज्ञान का प्रकाश लाने में आ गई। कुछ ऐसा ही सुनाई देता है ना जीप की इस आवाज में। साक्षरता कार्यक्रम की जीप। दूर दराज गांवों के कच्चे रास्ते धान के खेत और एक गांव से दूसरे गांव का सफर और मकसद एक कि हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए सब अपने अधिकारों को और जाने और उन्हें पाएं। पहले क्या होता था कि बेड दिखाकर ठेकेदार पैसे देता था। एक बेड के 2 रुपए मिलते थे। गिनना आता था नहीं सो मालूम ही नहीं होता था कि कितनी बेड़ों के बाल काट दिए। बस अंदाजे से ही पैसे ले लेते थे। सुखनम्मा भेड़ से ऊन निकालने का काम करती है। ये रहती है आंध्र प्रदेश के जिला महबूब नगर के रास मल्लीगुयम गाँव में जहाँ चलाया जा रहा है साक्षरता कार्यक्रम अक्षर किरणम। गांव के ही बाहर बड़ी चट्टानों को तोड़ पत्थर निकाले जाते हैं। पत्थर साबुत या गिट्टी की शक्ल में बाहर जाता है। ऊन निकाल कर गाँव में ही ऊन काती जाती है टोकरियां बनाई जाती है। ये काम है जो ज्यादा लोग करते हैं। इन सब मेहनत करने वालों की बस एक ही परेशानी थी कि मेहनत तो करनी आती है पर मेहनत नामा का हिसाब नहीं करना आता। इसीलिए इन्हें लाया गया साक्षरता कक्षा में और कहा गया पढ़ो लिखो और पाओ ज्ञान। अब क्या है कि हम बिचौलियों के पास नहीं जाते हैं। अब खुद ही जाकर ऊन खरीदते और उसे बेच लेते हैं। पहले पैसा ज्यादा जाता था माल कम आता था अब पूरे पैसे मिलते हैं। बस यही तो चाहिए कि हर मेहनत करने वाले को अपने काम की कीमत मालूम हो अपने अधिकार खुद जाने और खुद ही पाए। इसीलिए तो है साक्षरता कार्यक्रम। मनु बेटे अब तुम्हें ये पढ़ाएंगे ये तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। इसे ले जाओ अपने कमरे में अपना कमरा और किताबें दिखाओ। नौजवान जी तैयार जी जी चले बेटा चले चलिए अच्छा जी चल बेटा टूटे अरे अरे
चल तो रहा हूँ। बैठो यहाँ। बैठता हूँ बैठता हूँ बैठता हूँ। पाँव नीचे, कमीज से बैठो और अपने पेपर्स निकालो। पेपर तो नहीं है बेटा मेरे पास कोई। कैसे टीचर हो, पेपर्स भी नहीं रखते? अच्छा बताओ क्या रख कर आए हो, क्या पढ़ाना है बता दो। कुछ भी पढ़ाऊंगा, कुछ भी। वैसे तुम जितने भोले लगते हो उतने ही भोले हो, या डैडी तुम्हें जितना होशियार समझते हैं? तुम्हारी बीवी क्या कहती है तुम्हारे बारे में? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई बेटा जी। बीवी नहीं तो गर्लफ्रेंड तो होगी, क्या कहती है तुम्हारे बारे में यार? इतना तो मत शर्माओ। वैसे तुमने शादी क्यों नहीं की? शादी ऐसे ही, किसी बीमारी का डर है क्या? मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी घबरा गए? तुम तो मेरे दोस्त हो। हाँ वो तो है। तमीज से बैठो। तुम्हारी भोली सूरत मुझे बहुत पसंद आई, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ करूंगा, जरूर करूंगा करूंगा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ, अभी मैं चलता हूँ। बाहर जाओगे तो डैडी पूछेंगे क्या पढ़ाया, सोच लो, नहीं तो तुम्हारा तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? और वैसे भी मुझे काबू में करने की मोटी रकम है। अच्छा बेटा तुम्हें मालूम है कितनी मोटी रकम है? मालूम है तुम्हें? काफी मोटी रकम है। अच्छा। हाँ तो जनमन रोकड़ा चाहिए तो डैडी से कहना इतिहास का ये वाला पाठ पढ़ाया था। इन छोटी साहिबा को शायद ये नहीं मालूम कि पढ़ने में क्या मजा है, कितना आनंद है पढ़ने में, ये इनको देखकर ही महसूस होता है। इस वक्त आप है संजय नगर की दिन में लगने वाली साक्षरता कक्षा में। यहाँ पढ़ाती हैं अर्चना और उनकी शिष्याएं। हर कोई अपना ही एक सपना लिए रोज पढ़ने आती हैं इस दोपहर की कक्षा में। संजय नगर जिला अहमदनगर के बाहर कुष्ठ रोगियों के लिए बसाई गई एक बस्ती है। बस्ती के साथ ही और भी झोपड़ियां खड़ी हो गई हैं और आज संजय नगर में सभी रहते हैं, मजदूरी करने वाले, भीख मांगने वाले, सब्जी फल बेचने वाले और गाकर कमाने वाले। जहाँ पर गरीबी जरा ज्यादा ही मेहरबान है, वहाँ अच्छे हालात अच्छे दिन लाने के लिए क्या किया जाए, ये सवाल हर दूसरे चेहरे पर दिखाई देता है। 12 साल हो गए, हुनर तो बहुत है मेरा, मैं वेल्डर फिटर हूँ मैं, लेकिन पढ़ाई की वजह से कोई कंपनी में नौकरी नहीं मिली आज तक। तो छोटे मोटे फैक्ट्री ऐसा है उसमें छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, गुजारा हो जाता है उसमें, तो पढ़ाई की वजह से आज तक कोई कंपनी में जॉइंट नहीं हुआ। क्या किया जाए के जवाब में जो बात सामने आई वो थी कि सबसे पहले सबको साक्षर किया जाए। साक्षर होने के बाद ये अपने निर्णय खुद ले सकेंगे, नई बातों की जानकारी होगी तो नए कदम भी उठेंगे ही। आज के जमाने में एक के ही काम करने से कुछ नहीं होता, दोनों का काम करना जरूरी है। अब मैं भी उनके काम में मदद कर सकूंगी, घर में रह के सिलाई कर सकती हूँ। संजय नगर के निरक्षर आज नव साक्षर बनने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी में हैं और हर नए पाठ के साथ तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। नौजवान जी सर। हाँ बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर कल से रोज 1 घंटा उसे पढ़ाना है। लेकिन साहब एक समस्या है, मुझे अभी याद आया कि कल ही मेरी माँ का तार आया गांव से और मुझे आज गांव वापस लौट के जाना पड़ेगा। अरे परसों ही तो आया हो तुम गांव से। तुम इसे जानती हो? जी नहीं सर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इनकी शक्ल देख के ऐसा नहीं लगता आपको कि अभी अभी गांव से आए हैं? साहब मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे तो गांव वापस जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, बैड लक है तुम्हारा, तो मैंने कहा था कि अगर ये असफल रहा तो तुम्हारी बारी आ सकती है। यार मैं तो कभी से तैयार बैठी हूँ, लेकिन एक मिनट, मैं जरा इस सज्जन से थोड़ा मशवरा करना चाहती हूँ, इनको जरा पूछ लूं कि उनका अनुभव कैसा रहा, ताकि आपकी बेटी को पढ़ाने में मुझे आसानी हो। सर बताइए। कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ गई सर, मैं समझ गई।
मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपकी बेटी को एक अलग स्टाइल से पढ़ाना चाहती हूँ, इजाजत है? वो कैसे? वो ऐसे कि मैं उसी की शैली अपनाऊंगी, उसी की भाषा बोलूंगी। मनु को बात करने की तहजीब तो आई नहीं, क्या करें, नए जमाने की लड़की है। लेकिन अब आप पुरानी दिल्ली के इन भीड़ भाड़ से भरे बाजार और इन तंग गलियों से गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि आज भी यहाँ के रहने वाले लोगों में वही पुराना तहजीब और सलीका है। तस्वीर का ये रुख तो पुरानी दिल्ली की शान माना जाता है, मगर तस्वीर का दूसरा पहलू आज भी यहाँ का एक बड़ा तबका निरक्षर है। आज भी यहाँ के लोग पुराने रूढ़िवादी विचारों से ग्रस्त हैं, और आज भी यहाँ की महिलाओं को पढ़ाना बुरा समझा जाता है। अब इन कशीदाकारों को ही लीजिए, देश विदेश में मशहूर दिल्ली के इन कशीदाकारों पर निरक्षरता का साया मंडरा रहा था। साधारण से दिखने वाले कपड़े पर अपने हाथों से बारीक कढ़ाई कर उसे सुंदर बनाने वाले इन कशीदाकारों को शोहरत तो मिली, लेकिन इसका आर्थिक लाभ इन्हें बिल्कुल नहीं मिला। ये गरीब के गरीब ही रहे। हिसाब गलत जोड़ देते थे, अब लेके आना पड़ता था उल्टा सीधा, में जैसा वो दे देता था हमें लेके आना पड़ता था पैसा। हमें नहीं पता था ये कितने जोड़ लिया है, कितने जोड़ लिया, ये परेशानी थी। एक तरफ थी इन कशीदाकारों की समस्या और दूसरी तरफ मुस्लिम तबके की धोबी का काम करने वाली ये महिलाएं। पुराने जमाने से ही कपड़ों की धुलाई और उन पर इस्त्री करने का कार्य करने वाली इन लोगों में महिलाओं को पढ़ाने लिखाने का रिवाज ही नहीं था। और तो और, इस इलाके की हिंदू महिलाओं में भी पढ़ने लिखने के लिए कोई उत्साह नहीं था। सारा दिन घर के काम में जुटे रहने के कारण पढ़ने लिखने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इन्हीं समस्याओं के बीच साक्षरता का काफिला निकल पड़ा लोगों में साक्षरता की मशाल जलाने के लिए। कशीदाकार तो साक्षर होने के लिए बेताब थे ही, सो वे एकदम राजी हो गए। धोबी महिलाओं को समझाया गया कि महिलाओं का पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। काफी इम्प्रूवमेंट हुआ इन लोगों में, और अब प्यारे की बनिस्बत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पूरे इलाके में साक्षरता अभियान जोरों शोरों से शुरू हो गया। घर हो या आंगन या फिर छत हो, हर जगह साक्षरता कक्षाएं चलने लगी। एक दूसरे की देखा देखी ये महिलाएं साक्षरता कक्षाओं में आने लगी। क ख ग और आलिफ बेपे के पाठ इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। इसके अलावा इलाके में चल रहे कारखानों में काम कर रहे ये बच्चे, जो कि आर्थिक दिक्कतों की वजह से पढ़ नहीं पाए थे, आज साक्षरता कार्यक्रम के चलते पढ़ने लिखने लगे हैं। फराश खाना है, रोदगरान है, नियारियान है, पूजा पंडित है, इसमें हमने 50 से लेकर 60% तक हमने कामयाबी हासिल कर ली। आज इन कशीदाकारों के हाथ बुनते हैं सपने कल के। महिलाएं इन किताबों में पढ़ती हैं अपना भविष्य, इन गलियों में गूंजते हैं गीत पढ़ने पढ़ाने के। कल की निरक्षरता से भरी इन अंधी गलियों में आज दीप जलते हैं साक्षरता के। मुझे 10 बजे का टाइम दिया गया था, क्या कोई है क्यों नहीं? ओ, कोई नौकर वोकर है यहाँ? मालिक भी पता नहीं कहाँ गया भाई, और वो लड़की भी नहीं है जिसे पढ़ा रहा है। अरे कोई है कि नहीं, कोई आपको बताए तो सही, हमें करना क्या है यहाँ? कौन शोर मचा रहा है? पता नहीं, ये मेरा कमरा है, यहाँ शोर मचाना मना है। ओहो, आप हैं वो मोहतरमा जिन्हें हमें पढ़ाना है। मैडम, 10 बजे का टाइम मुझे दिया गया था, 10:10 हो चुके हैं, आप तैयार क्यों नहीं है अभी तक? किसने रखा है टाइम? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब मन करेगा तब पढ़ेंगे। और तुम? ओ, डैडी ने नया पिल्लू भेजा है, अब तुम बोर करोगी। मैडम, तमीज से बात करना सीखो, कल से 10 की भी देरी हुई तो तुम्हारी पिटाई होगी। अब चुपचाप बैठ जाओ यहाँ और अपनी भूगोल की किताब निकालो। कौन भूगोल? तुम मुझे ऑर्डर करोगी? मेरा ऑर्डर सुनो, चुपचाप बैठ जाओ। Sit! Sit!
बैठोगी या बैठोगी बैठोगी कि नहीं बैठा मुंह में से निकालो पेन रखो पैर नीचे भूख नहीं 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 ये तो आपके लायक है ही नहीं इससे दांत खराब हो जाते हैं आज से ये आउट किताब निकालो और चुपचाप बैठ जाओ ये क्या बदतमीजी है शायद तुम्हें टीचर से बात करना नहीं आता तुम्हारी थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हाथ निकालो हाथ सामने करो इस बार छोड़ देते हैं अगली बार कोड़े पड़ेंगे अब चुपचाप बोलो गुड मॉर्निंग मिस बोलो गुड मॉर्निंग मिस गुड मॉर्निंग मिस वेरी गुड गर्ल कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम आपके इतने सारे खत आए हैं कि पढ़ के लगता है आपको प्रोग्राम तो अच्छा लगा ही है आप सवाल भी बहुत सारे पूछना चाह रहे हैं हाँ तो पूछिए ना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपके हर सवाल का जवाब बाकायदा देगा चैटर्जी साहब मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत दर्शक देखते हैं और उन्हें कई बातें आपसे पूछनी हैं पर सबसे रोचक प्रश्न तो श्री नरेंद्र कुमार पाली ने पूछा है आपसे वो ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा जादू है मतलब कि कोई ऐसा सुझाव है जिससे कि उनके गांव वालों में ऐसी भावना पैदा हो कि वो साक्षर हो जाए वंदना जी जादू अगर हमारे पास होता तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे भारतवर्ष में सभी लोग पढ़े लिखे होते मैं अपने भाई जो पाली से जिन्होंने लिखा है उनसे यही अनुरोध करूँगा कि पाली में हमारा ये अभियान जोरों शोरों से चल रहा है वहाँ तकरीबन सभी गाँव में हमारे स्वयंसेवी भाई वहाँ हैं भाई बहन वहाँ हैं और इन वॉलंटियर टीचर जिसे हम कहते हैं उनसे वो संपर्क करें वहाँ पे कई सारे मैं समझता हूँ स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो काम कर रही हैं फिर भी अगर उनको कोई ख़ास दिक्कत हो तो ज़िला साक्षरता समिति से अगर वो संपर्क करे तो वहाँ उनको जरूर काफी सारा मदद मिलेगा अब ये SB निम्बलकर जी हैं जलगांव से महाराष्ट्र से वो आपसे जानना चाहते हैं कि वो साक्षरता का उपक्रम शुरू कैसे करें और इसके बारे में वो आपसे जानकारी सूचनाएं आदि लेना चाहते हैं इस तरह के और भी कई खत हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आरम्भ कैसे किया जाए सबसे पहली बात तो ये है कि जिले से एक प्रस्ताव हमारे पास आना चाहिए जी। और जब वो प्रस्ताव हमारे पास आता है तो हम यहाँ दिल्ली में उस पर गौर करते हैं उसकी जो फाइनेंशियल एंगल है यानी कितने पैसे खर्च होंगे हमारे वहाँ लर्नर भाई बहन कितने हैं उनकी एक तालिका हम बनाते हैं और फिर जाकर हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है तो मैं इन्हें यही उपदेश दूंगा कि वो अपने जो ज़िला कलेक्टर हैं उनसे मिलें कुछ आलोचना के पत्र भी हैं और ये प्रोग्राम की आलोचना के नहीं हैं ये कार्यक्रम की आलोचना के हैं जैसे हमारा साक्षरता अभियान चल रहा है जिलों में ऐसे ही मिर्जापुर के एक सदस्य जो हैं उनका नाम है अमित सिंह पटेल वो लिख रहे हैं कि मिर्जापुर में ये प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो अध्यापक प्रौढ़ शिक्षा की तरफ से रखे जाते हैं वो तो झूठा रजिस्टर बनाकर रखते हैं और सबका झूठा नाम लिखते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं क्या कार्रवाई कर रहे हैं रजिस्टर तो सिर्फ जब क्लास
खोल देते हैं तो वहाँ जो हमारे लर्नर हैं उन्हीं के नाम हम रजिस्टर पे लिखते हैं। अगर पटेल भाई को ऐसा महसूस होता है कि किस रजिस्टरों में कुछ जाली नाम हो, तो मैं उनके पत्र के ऊपर अभी वहाँ के जो ज़िला मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ और अतिशीघ्र मैं समझता हूँ कि इस विषय में कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर वहाँ पे हम शुरू करा पाएंगे। एक कलाकार हैं बनारस से, श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव, जो कि जानना चाहते हैं साक्षरता अभियान के बारे में और ये पूछना चाहते हैं कि वो अपना योगदान किस प्रकार दें। मैं श्रीवास्तव भाई से यही उपदेश दूंगा कि वो जल्द से जल्द ज़िला साक्षरता समिति से संपर्क करें, वहाँ वो लोग ऐसे कलाकारों को ज़रूर अपने इस अभियान में शामिल करने के लिए आतुर होंगे। अभी दो खत जो मेरे हाथ में हैं, वो एक बीएससी के छात्र राजीव घंटी की, वो बर्दवान वेस्ट बंगाल से हैं, और दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट छात्र दीप्तो रॉय जो कि गुजरात से हैं, उनके हैं। और वो लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके कार्यक्रम में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो योगदान दे सकते हैं। हम नव साक्षरों के लिए रीडिंग मटेरियल तैयार करते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अब हम पढ़ लिख कर आगे क्या पढ़ सकते हैं, तो पढ़ाई की किताबें जो रुचिकर पुस्तकें हों, उनके दैनिक जीवन के विषय में कुछ उनको जानकारी वहाँ मिले, तो ये भी कार्य हमारा वहाँ बड़ा ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। तो या तो वो नवसाक्षरों को तालीम दें ताकि वो अपने कार्य में दैनिक जो अपना उनका जीवन है उसमें वो और भी ज़्यादा अपना आय बढ़ा सकें, या वो पुस्तकें लिखें नवसाक्षरों के लिए, क्योंकि दोनों शिक्षित हैं, बहुत अच्छी डिग्री इन्होंने हासिल की है। ये आखिरी खत है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, और ये हमारे दर्शक हैं जींस थे हरियाणा से, और वो आपसे एक बड़ा ही विचित्र से सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जब भी वो किसी को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इस तरह का जवाब मिलता है कि बुढ़ापा आ गया है, अब पढ़कर क्या करेंगे। जो लोग बूढ़ा होने के नाते भी उनमें सीखने की इच्छा हो, वो लोग ज़रूर हमारे क्लासों में शामिल हों, पढ़ने के लिए बैठ जाएं। अंत में वंदना जी, मैं दोबारा यही जिक्र करना चाहूँगा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जो भी चाहे जब भी चाहे पढ़ सकता है, और अगर वो 35 साल से की उम्र से ज़्यादा भी हो कोई भी व्यक्ति, तो वो हमारे अभियान में शामिल ज़रूर हुए, हमारे क्लासों में ज़रूर आएँ, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी उनको मदद करने के लिए।